दुनिया के मोस्ट हैंडसम पुरुषों की सूची में बॉलीवुड के सुपर स्मार्ट हीरो ऋतिक रोशन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बॉलीवुड के तीनों खान को पीछे छोड़ते हुए ऋतिक हैंडसम हीरो की श्रेणी में काफी आगे निकल गए हैं। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता है। क्या आपको पता है कि ये मोस्ट हैंडसम हीरो ज्यादा डरने पर या परेशान होने पर हकलाने लगता है? ऋतिक रोशन अपने बचपन में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला और परवीन बॉबी पर मरते थे। ऋतिक रोशन ने अब तक के अपने अभिनय करियर में एक्शन और रोमांस कई तरह की फिल्में की। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से ऋतिक का विवादों से भी नाता हो गया था। विरासत में मिला ऋतिक को बॉलीवुड से जुड़ी कई बातें विरासत में मिली है। उनके पिता राकेश रोशन फिल्म के निर्माता निर्देशक और बाबा संगीत निर्देशक है। उनका परिवार पंजाबी हिंदू है और उनका जन्म 10 जनवरी 1974 को फिल्म नगरी मुंबई में ही हुआ था। बचपन से की अभिनय की शुरुआत एक्टिंग में उतरने की बात कहें तो ऋतिक ने बचपन में ही यह काम शुरू कर दिया था। ऋतिक सबसे पहले एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म आशा 1980, आपके दीवाने 1980 और भगवान दादा 1986 में नजर आए। कहो ना प्यार से मिला मुख्य अभिनेता का अभिनय ऋतिक ने एक एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म राकेश रोशन की रोमांटिक फिल्म कहो ना प्यार है से की है। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद उनकी कई फिल्में आ चुकी हैं। सुजैन से की शादी ऋतिक ने संजय खान की बेटी सुजैन खान से दिसंबर सन 2000 में शादी की। सुजैन से ऋतिक के दो बेटे भी हैं जिनका नाम रिहान और रिदान है। रिहान का जन्म 2006 में और रिदान का जन्म 2007 में हुआ। हालांकि ऋतिक का सुजैन के साथ यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और सन 2014 में सुजैन का तलाक हो गया। क्यों लेते हैं स्पीच थेरेपी? ऋतिक अपने दाएं हाथ में दो अंगूठे को जिसे वे ज्यादातर फिल्मों में छिपाए रखते हैं। ऋतिक बचपन में बोलते वक्त हकलाते थे जिसके चलते उनके बॉलीवुड करियर पर प्रभाव पड़ सकता था। हालांकि उन्होंने स्पीच थेरेपी के जरिए इसे ठीक कर लिया। आज भी वह इस थेरेपी को अपनाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे फिर से हकलाने न लग जाए। काम को लेकर गंभीर है ऋतिक का रवैया। ऋतिक अपने काम को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। उन्हें जैसा रोल दिया जाता है वह अपने शरीर को किरदार के अनुसार ढालते हैं। एक खबर के मुताबिक उन्होंने एक बार विज्ञापन के लिए अपनी कमर को 4 इंच तक कम किया था। लंदन के एक अखबार ने ऑनलाइन सर्वेक्षण करवाया था और पूछा गया था कि सबसे सेक्सी पुरुष कौन है। एशिया में सबसे ज्यादा वोट ऋतिक को मिले थे और उन्होंने खान तिकड़ी समेत सभी बॉलीवुड एक्टरों को पछाड़ दिया था। ऋतिक रोशन की आगामी फिल्म काबिल है। यामी और ऋतिक की बेहतरीन केमिस्ट्री फिल्म में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता ने किया है और फिल्म में ऋतिक के अलावा यामी गौतम और रोनित रॉय भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। काबिल में संगीत राजेश रोशन ने दिया है। यह फिल्म इसी साल 25 जनवरी को शाहरुख की रईस के साथ रिलीज होगी।